सर हमारे मार्केट में आजकल कई अलग अलग तरह के डाइट्स आ गए हैं, जैसे हाइपरटेंशन के लिए डैश डाइट है, फिर डायबिटीज के लिए अलग डाइट होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए अलग डाइट होता है। तो सर हमारी जो ऑडियंस है वो 25 से 35 की उम्र के बीच की है। अब आमतौर पर इस उम्र पर ऐसे कोई लक्षण दिखते नहीं है, तो सर ऐसे लोगों को आप हेल्दी लाइफस्टाइल स्पेशली डाइट कौन सा रेकमेंड करोगे? जैसे अगर मैं ऐसे मजाक में कहूँ या एकदम सीरियसली कहूँ तो डॉक्टर परमजीत सिंह का डाइट कौन सा है? मेरे हिसाब से एवरेज ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये जो डैश डाइट और ये सारे जो डाइट होते हैं ना, ये एक रेफरेंस डाइट्स हैं, ये रेफरेंस चीजें हैं। जस्ट लाइक हम रेफरेंस के लिए समझते हैं कि भाई हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे चीजें, पर उसके ऊपर फिर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि हाँ भाई इसमें ये भी आता है, उसमें वो भी आता है। तो वो रेफरेंस डाइट्स हैं कि डैश डाइट एक हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल चीजों में हेल्प करेगी। ऐसी लोगों ने अपनी डाइट बना ली डिप डाइट, ऐसी लोगों ने शुगर के लिए, डायबिटीज लोगों के लिए उसमें से भी शुगर और कम कर दी तो वो डायबिटिक डाइट, उसमें जो जो फैट्स का कंटेंट, लिपिड्स का कंटेंट और कम कर दिया वो भी कोलेस्ट्रॉल के लिए डाइट। सो द पॉइंट इज बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट बेसिक फंडा अगर आप समझते हैं कि आपके शरीर में सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स जाने चाहिए, जो आज के डेट में इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक कम्युनिटी टू कम्युनिटी डिफर करता है, तो बाहर के देश में या ऐसी जगहों पे जहां पे मीट ज्यादा खाया जाता है, रेगुलरली रोजाना खाया जाता है, वहां पर उनके केस में कोलेस्ट्रॉल्स और अपने उस चीज को कम करना टारगेट होता है। हमारे देश में हमारा टारगेट होता है कि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन तो जाए, आयरन तो जाए, वहां ही कमी है। सबसे ज्यादा कमी उनकी हमारे को आयरन, प्रोटीन, विटामिंस और क्वालिटी ऑफ फूड। हमारे देश में क्वालिटी ऑफ फूड बहुत खराब है, बाहर कम खराब है। ऐसा नहीं कह रहा कि हर जगह अच्छा है, हमारा ही खराब है, बट देन एज कंपेयर टू अदर्स वी आर सफरिंग दैट कि हमारे को प्रोटीन पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, चाहिए। यू हैव फर्स्ट, आज के डेट में मेरा अगर होता है कि अगर मैं और मेरे इवन अपने जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, अपने बच्चों को मैं बोलूंगा तो उनको अभी टारगेट होता है फर्स्ट कंप्लीट योर प्रोटीन्स, देन कॉन्सेंट्रेट ऑन कार्ब्स एंड फैट्स, तो उसके साथ ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा तो पॉइंट यही होता है कि प्रोटीन कार्ब्स के बाद फैट आ जाता है एंड देन सी रेगुलरली कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर गए कि नहीं गए, देन यू नीड टू कंप्लीट योर विटामिंस, विटामिन डी, आपके कैल्शियम, अगर आप दूध नहीं लेते, अगर वो नहीं लेते तो कुछ सीड्स। सो एवरी सिंगल पर्सन की रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है डाइट में, तो ऐसी कोई एक डाइट नहीं है कि वो फिक्स हर बंदा यही फॉलो करेगा वो सही है। द प्रॉब्लम पता है क्या है डॉक्टर स्मिथ की, दिस शुड बी एन एथिकल पार्ट ऑफ द एजुकेशन। अल्टीमेटली जीवन कैसे जीना है, हाँ, एजुकेशन बच्चे को 5वीं 10वीं क्लास में ये पढ़ाना बहुत जरूरी है, डाइट क्या है, कार्ब्स क्या है, प्रोटीन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, अल्टीमेटली ये पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि वो दूसरी तीसरी चीजें जिसका कोई यूज नहीं है दुनिया भर के लिए। सो ठीक है, कैरेक्टर बनाने के लिए लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, दैट इज ओके, बट जिसका जो मेन रिक्वायरमेंट है वो यहाँ है, फाइनेंशियल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन। किसी को नहीं पता होता, हमें आपको नहीं पता होता मेडिकल फील्ड में कि भाई टैक्स क्या है, कौन सा टैक्स है, कहाँ से बचा सकते हैं आगे चल, हाँ, हमें नहीं पता होता है कि कहाँ से हमारे लाखों रुपए खत्म हो गए, कहाँ से टैक्स हम बचा भी सकते थे, हमें पता ही नहीं। सो बहुत गड़बड़ है एजुकेशन सिस्टम में, और सही चीजों को कॉन्सेंट्रेट करना, तभी हम लोगों को स्टेप अप करना पड़ता है कि भाई चलो कोई और नहीं सिखा रहा तो हम सिखाते हैं। द पॉइंट इज एक डाइट कोई फॉलो करो मत, बेसिक समझो कि एक ह्यूमन बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है आपकी इस वक्त रोजाना। अब ये एक घर में 10 लोग हैं, 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो उनका जो रोजाना किचन में खाना बनता है वो आदमी, एक आदमी ये नहीं बोलेगा कि हाँ डॉक्टर परमजीत ये खाते हैं तो मैं भी यही खाऊंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप पहले ये देखो कि हाँ ये गलत है, ऐसा नहीं चाहिए। हम अलग से अपने फाइनेंशियल लोड बढ़ा देंगे कि डॉक्टर आप सुबह आप रोज ऑमलेट खाते हैं तो मैं भी रोज ऑमलेट खाऊंगा, चाहे घर पे मेरे सारे वेज हो मैं बाहर जाके खाऊंगा, ऐसा नहीं होता। सो इट्स नॉट लाइक भेड़ चाल नहीं हो रही है। तो मैं इसीलिए अपने कभी कभी मैं अपने खाने के डिनर के वीडियोस या फोटोज डाल देता हूं, बट आई डोंट रियली फॉलो अ फिक्स डाइट, मैं खुद नहीं फॉलो करता हूं। तो मैं रेगुलरली मैं इतना देखता हूं कि मेरा कहीं ना कहीं से सोर्स से प्रोटीन मिल जाए और कार्ब्स जितना मिनिमम हो उतना अच्छा, सो दैट्स, और फैट्स जितना हो, तो लो हाई कार्ब सॉरी हाई प्रोटीन लो कार्ब लो फैट, ये मेरी डाइट होती है, और पानी जितना पी लें उतना बढ़िया। सो टारगेट ये होता है, बाकी फ्लक्चुएट तो होता रहता है।